दोस्तों, अगर आप भी टाटा नेक्सॉन के फेसलिफ्ट वर्जन में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हमने इस वीडियो में टाटा नेक्सॉन के अंदर मिलने वाले ए टू जेड सारे फीचर कवर किए हैं, साथ ही आपको देखने को मिलेगा 360 डिग्री इमेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एलिमेंट्स की। तो हेड टर्निंग डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, बीआई फंक्शनल फुल एलईडी लैंप्स आपको मिलेंगे, सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल्स आपको मिल जाती हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया दिखते हैं दोस्तों, और ड्यूअल डोम रूफ भी मिल जाती है दोस्तों। टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वर्जन एक पूरी नई गाड़ी है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स में देखने को मिलेंगे, ई कॉल और बी कॉल मतलब कि एमरजेंसी कॉल और बिजनेस कॉल की सुविधा भी टाटा नेक्सॉन की फेसलिफ्ट वर्जन में दी जा रही है। 360 डिग्री का सराउंडिंग व्यू आपको कैमरा मिलता है विद पार्किंग सेंसर। सेफ्टी के साथ साथ डिजाइन एलिमेंट भी काफ़ी बढ़िया हैं। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के आपको फीचर्स में 36.03 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है हरमन के द्वारा, और 8 स्पीकर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टाटा नेक्सॉन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी पूरा डिजिटल आपको मिल जाता है, जिसमें आपको टैकोमीटर और ऑडोमीटर साथ में देखने को मिलते हैं। IR2.0 जो कि टाटा की हर किसी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। तो वॉइस कमांड के थ्रू ओपन एंडेड आपको देखने को मिलेंगे। अभी लगता है कि टाटा नेक्सॉन का लाउडर थोड़ा सा बढ़ चुका है। देखिए हरमन ये आपको फोर स्पीकर बड़ा अच्छा खासा अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी कार है टाटा के लिए। और वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर काफ़ी बढ़िया है, चार्जिंग में दिया गया है। अगर आपकी फोन पे वायरलेस चार्जिंग वायरलेसली कनेक्ट होती है दोस्तों। इसके साथ आपके नेविगेशन बार भी डिस्प्ले में आपको शो होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी फर्स्ट इन सेगमेंट आप देख सकते हैं 7-स्पीड का DCA विथ ई शिफ्टर आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ऑटोमेटिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडल शिफ्टर की सुविधा भी इस कार में दे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और डायल में आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, जो कि पहले भी थे, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। अब इंजन की बात करें तो दोस्तों, इंजन आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन टाटा नेक्सॉन में दिया गया है दोस्तों। अभी अंदर की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसके इंटीरियर को काफ़ी बढ़िया 3-टोन डिजाइन के साथ दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन आपको इस कार में देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इससे पहले वेंटिलेटेड सीट्स और एयर प्योरीफायर की सुविधा आपको ईवी में दी जाती थी, और वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। बूट स्पेस की बात करें तो सबसे बड़ा 382 लीटर का बूट स्पेस टाटा नेक्सॉन ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस।